हेलो फ्रेंड्स, आज हम मार्केटिंग सर्च के अंदर स्टडी करेंगे रिसर्च डिज़ाइन। सबसे पहले हम देखते हैं रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है। देखो, जो रिसर्च डिज़ाइन है, जब हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया है, उसके बाद क्या है कि नेचुरली हमने बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम योजना बनाते हैं कि जब हमने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया है, उसके ऑब्जेक्टिव जो है बिल्ड कर लिए हैं, तो हमने रिसर्च करनी कैसे है। तो यहाँ पर मार्केट सर्च जो हमने करनी है उसका ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि हम पूरी रूपरेखा तैयार करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से हमने रिसर्च को कंडक्ट करना है, क्या हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हैं, कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने हैं। बेसिकली जो रिसर्च डिज़ाइन है, ये हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है और यहाँ पर डिटेल को बताता है कि जैसे अगर हमने नट्स एंड बोल्ट्स, जैसे कोई रिपेयर मैकेनिक कर जैसे कोई मैकेनिक रिपेयर करता है, तो नट्स एंड बोल्ट्स का उसे पता होना चाहिए। और उसी तरह जो रिसर्च करनी है हमने, तो उसके ये नट्स एंड बोल्ट्स बताता है, पूरा प्रोसीजर बताता है। रिसर्च डिज़ाइन के अंदर हम पूरा जो प्रोसीजर है, जो मेथडोलॉजी है जिसके द्वारा हमने रिसर्च करनी है, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, उसकी पूरी ब्लूप्रिंट जो है तैयार करते हैं। और देखो, यहाँ पे जो रिसर्च डिज़ाइन है, देखो इसके अंदर हमारी प्रॉब्लम डिफाइंड है, किस तरह की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए रिसर्च करने के लिए, और किस तरह के जो एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है या कैजुअल फेस है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो डाटा जो है उसको किस स्केल पे मेयर करना है, और किस तरह के जो कंस्ट्रक्ट है, किस तरह का कंसेप्चुअल मॉडल है, कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है, कैसे हमने सैम्पलिंग जो है करनी है, किस तरह का सैम्पल साइज लेना है, और डाटा एनालिसिस के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, किस तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के हमने डाटा को जो है एनालाइज करना है। तो कुछ जो रिसर्च डिज़ाइन है, जो हमने रिसर्च करनी है, उसका पूरा ये एक फॉर्मल जो है प्लानिंग है, जिसके द्वारा हम पूरी मतलब उसका प्रोसीजर जो है डिटेल के अंदर जो है डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से हमने अपनी जो रिसर्च है उसको करना है। देखो, यहाँ पे क्या है कि जो रिसर्च है, ठीक है, जो हम डाटा जो है कलेक्ट करते हैं, जो उसकी एनालिसिस करते हैं, तो जो उसके रिजल्ट्स होने चाहिए वो रिलायबल एंड वैलिड होने चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम रिसर्च को दोबारा रिपीट करते हैं तो हमें वैसे ही रिजल्ट जैसे हमने पहले रिसर्च की थी, पहले डाटा कलेक्ट किया था, उसको स्टडी किया था, तो जैसे रिजल्ट वहाँ पे आए, अगर हम दोबारा से उसको रिपीट करते हैं तो उनमें वेरिएशंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे वैलिडिटी का मतलब है कि जो हम एक्चुअल में वो मेयर कर सकते हैं, जो हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, जो वेरिएबल्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, उनके आपस में एसोसिएशन क्या है, आपस में क्या रिलेशनशिप है, उससे हम क्या कंक्लूजन जो है निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वैलिडिटी का मतलब है कि जो हमने डाटा किया है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होना चाहिए, उसके बेसिस पे हम अपनी ऑब्जेक्टिव की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो ऑथेंटिसिटी है, उसको चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, हर एक जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है यूनिक होती है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो, जो रिसर्च डिज़ाइन है क्या पहले एस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। अब नेचुरली जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमने प्रॉब्लम को देखते हुए अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए हैं, उससे हमने क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, लिटरेचर रिव्यू जो पुरानी स्टडीज़ हुई हैं उनमें क्या रिलेशनशिप निकलता है, और जो हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं वहाँ पे रिलेशनशिप उसका क्या होएगा। तो यहाँ पे फॉर्मली जो है एक रूपरेखा हम तैयार करते हैं कि ये हमारा डाटा रिक्वायरमेंट है, ये हमने टेक्निक्स लगानी है, जिसके द्वारा जो है हमने पहले देखो ये देखना है कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, जिसके अंदर हम सही ढंग से सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है, वो सैम्पल हमारा कहाँ कहाँ पे स्प्रेड ओवर होगा, किस तरह से डाटा जो है उसको हमने टैबुलेट करना है, प्रेजेंट करना है, किस तरह के स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के हमने उसको एनालाइज करना है। अब हम देखते हैं जो रिसर्च डिज़ाइन है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन हो सकता है। देखो, यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है एक्सप्लोर करना। यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं पता होता तो हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्रॉब्लम की क्लियर पिक्चर जो है क्रिएट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम पता होती है, यहाँ पे उसके
डिटेल के अंदर जो है हम फीचर जो है अच्छी तरह से जानते हैं। डायग्नोस्टिक स्टडी जो है वो भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, जिसके अंदर हम ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करते हैं। और जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होते हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम जानते हैं। अब देखो, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है इसके अंदर क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता, तो यहाँ पे बेसिकली हम एक्सप्लोरिंग करते हैं, प्रॉब्लम को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता। जैसे कोई पेशेंट है, देखो उसको नहीं पता कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को वो अपने सिम्टम्स बताता है, डॉक्टर उसके बेसिस पे उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है, उसके बेसिस पे उसको कौन सी मेडिसिन नहीं चाहिए। तो एक्सप्लोरेटरी सर्च भी वैसे ही है, जिसके अंदर क्या है कि प्रॉब्लम को एक्यूरेटली और प्रिसाइजली जो है देखा जाता है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाता है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम को डिफाइन करके जो है उसके बेसिस पे जो है हाइपोथेसिस बिल्ड किए जाएं। और यहाँ पे जो एक्सप्लोरेटरी सर्च होती है ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि यहाँ पे हम अनस्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, लोगों के साथ मतलब बातचीत करते हैं, तो वहाँ से जो व्यू पॉइंट्स आते हैं वहाँ से अपना जो है एक रफ़ सा आइडिया लेते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे देखो, जो एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, कई बार ये भी होता है न्यू आइडियाज़ जैसे हमने जनरेट करने हैं, कई बार ये भी होता है कि जो रिसर्चर है वो प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझे। यहाँ पे हम प्रॉब्लम को एक्यूरेटली जो उसकी क्लियर कट पिक्चर है उसको डिफाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, फिजिबिलिटी को स्टडी करना चाहते हैं, क्या यह फिजिबल है, ठीक है। जैसे हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं उसकी फिजिबिलिटी को जानते हैं। देखो, जैसे कोई कंपनी है उसने कोई इनोवेशन करनी है, तो वहाँ पे वो इनोवेशंस को एक्सप्लोर कर सकती है कि कौन सी इनोवेशन जो है वो करे ताकि लोगों के पास वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम को गहराई के अंदर स्टडी करके प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। अब देखो, जो एक्सप्लोरेटरी सर्च है इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन होती है, इनिशियली जो है अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे किए जाते हैं, डिस्कशन की जाती है, सेकेंडरी डाटा जो लोगों ने ऑलरेडी इस पर सर्च की होती है उसको देखा जाता है। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिटेटिव वे से जो है अनस्ट्रक्चर्ड वे से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ताकि प्रॉब्लम को समझा जा सके। अब देखो, यहाँ पे जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो जो प्रीवियस स्टडीज़ होती हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं कि प्रीवियस स्टडीज़ के अंदर जो है उसके अंदर प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। एक्सपीरियंस सर्वे के अंदर क्या होता है कि जो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ हम जो है अनस्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कशंस करते हैं, और कई जो स्टिमुलेटिंग केसेस होते हैं उनको गहराई के अंदर स्टडी करते हैं, जो प्रीवियस ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ताकि हम प्रॉब्लम को सही ढंग से जो है फॉर्मुलेट कर सकें। अब देखो, जो कंक्लूसिव रिसर्च होती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो कंक्लूसिव रिसर्च है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे हम क्या रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। और कंक्लूसिव रिसर्च के अंदर क्या है कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ने हमें हाइपोथेसिस दिया होता है उसको हम टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे दो तरह की जो रिसर्च होती है, एक डिस्क्रिप्टिव होती है, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। अब देखो, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है ये एक तरह की कंक्लूसिव रिसर्च की ही टाइप होती है, और इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉब्लम हमारे पास होती है, यहाँ पे हम डीपली जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे देखो, जो रेलिवेंट ग्रुप्स हैं जैसे कंज्यूमर्स हैं, सेल्स पीपल हैं, उनके फीचर्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि कोई स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के अंदर मतलब इतने लोग हैं जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। और उसी तरह कई बार ये भी होता है प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में लोगों की परसेप्शन क्या है, और जो मार्केट वेरिएबल्स हैं उनका आपस में संबंध क्या है, ताकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम उनकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके फीचर्स को डेप्थ में स्टडी करते हैं, ताकि उनके बेसिस पे जो है हम प्रेडिक्शन कर सकें। अब देखो, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि प्रॉब्लम, जैसे एक्सप्लोरेटरी के अंदर तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता होती, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉब्लम
पता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो है बिल्ड करते हैं, जिसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे देखो, डिस्क्रिप्टिव के अंदर जैसे मार्केट स्टडीज़ कर सकते हैं, मार्केट का साइज़ कितना है, लोगों की जो बाइंग पावर कैसी है, डिस्ट्रीब्यूटर कितने अवेलेबल हैं, कंज्यूमर क्या प्रोफाइल क्या है। और उसी तरह प्रोडक्ट की इमेज के अंदर जो है, या फर्म की इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि लोगों की फर्म के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में परसेप्शंस क्या हैं। उसी तरह देखो, जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, यहाँ पे जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके अंदर रिलेशनशिप को देखा जाता है कि कौन सा कॉज है, कौन सा इफ़ेक्ट है। देखो, यहाँ पे जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर ये रिलेशनशिप है। जैसे जैसे IPO की स्टडी है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जो एज है, क्या उसका IPO की जो अंडर प्राइसिंग है उसके साथ कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, एज का नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या कोई एसोसिएशन ही नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनका आपस में जो एसोसिएशन है, जो रिलेशन है, कॉज एंड इफ़ेक्ट है, उसको हम स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जब हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम दूसरे वेरिएबल्स को जो है कांस्टेंट मानते हैं, कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है, यहाँ पे जो लॉजिक होता है उनका आपस में एसोसिएशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, कैसे वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, उसको हम जान